वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सारे मुद्दे जिहड़े कुछ सेंटर गवर्नमेंट नाल संबंधित आ ते कुछ स्टेट नाल संबंधित सी, वो आज साडा डेपूटेशन गवर्नर साहब ने सानू अज 4 बजे का टाइम दिता सी। सो उहदे विच साढ़े सीनियर मीत प्रधान, जूनियर मीत प्रधान, जनरल सकत्तर साहब ते साढ़े लीगल विंग दे इंचार्ज सियालका साहब, उन्होंने बैठ के बड़े चंगे ढंग नाल गलबात हुई, तो उन्हों का धन्यवाद भी करते हैं। उन्हें बड़ा पेशेंस भी सानू सारे मुद्दों के उत्ते सुने। और ये नोटिफिकेशन मुताबक असी ऑनरेबल गवर्नर साहब नू रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब नू जिहड़ी तुहाडी एनमिन वो असी भेज देंगे। इस तो अलावा साढ़े कोल 26 लाख के लगभग सिग्नेचर मुहिम, जदों अज तो 2 साल पहला सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सिंह साहब अकाल तख्त साहब के जथेदार, उन्हां वालों आदेश होया सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अपनी एक मीटिंग सदे सारिया जथेबंदियों की, तो इन बंदी सिंह की रिहाई के लिए यतन करे। वो मैं मीटिंग भी सदी, मीटिंग दे विच अधिकार भी देते थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं, ते उस तों बाद मैं एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई जिहदे विच वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां जिहड़ियां सरकार दा आ उहनां दे एक एक नुमाइंदे भी लए। उहदी इक्को मीटिंग होई, एक मीटिंग तों बाद सरकार नूं भाजड़ां पै गईआं सी कि खालसा पंथ इकट्ठा हो गया, पर मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा उहदे विचों एक मैंबर ने उहने किंतू परंतू शुरू करके भई जी इहनां नूं कढो तां फिर असीं आवांगे, फिर दूसरिआं ने दिल्ली जा के बयान दे दिता कि असी इहदे नाल सहमत नहीं, तीसरे मैंबर सीगे उन्होंने अमृतसर आ के बयान दे दिता। ये जिले सारा कुछ वापर गया, फिर जिहड़े 8 मैंबर सीगे बकाया उन्होंने असी जतन किया कि हुण इहदे लई कोई कार्ज करना पऊ, फिर असी सिग्नेचर मुहिम शुरू की। जे सिग्नेचर मुहिम दे विच 26 लाख लोगों ने अपनी इच्छा दे नाल, कोई बन्नोगिरी ने वख-वख गुरद्वारे साहिबाना दे विच, उन्हां सारिआं दा मैं तुहानूं बेरवा भी जिहड़ा अज्ज असीं गवर्नर साहिब नूं दे के आए हां पैन ड्राइव दे रूप दे विच, और मैनुअल वर्क साडा क्योंकि इधर ट्रक नहीं आ सकदे, वह कलगीधर निवास दे विच साडा 26 लाख 27 सैक्टर दे विच 26 लाख परफॉर्मे जिहड़े उह साडे उत्थे ट्रक दे विच पए आ। सो उस तों बाद फिर हुण एक नवीं डायरैक्शन सिंह साहब ने, नवी ना कह लीए पहली सी, जिदण बंदी छोड़ दिवस सी सिंह साहब ने फिर एक नवा आदेश किया, समुची कौम के नाम संदेश हुंदा सिग्नेचर मुहिम तो अलावा, उहदे विच फिर डायरैक्शन दित्ती जिहड़ियां करदा जथेबंदियां ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी आदेश किया कि तुसीं इहदे लई फिर यतन करो। वो असी जतना के तहत गवर्नर साहब नूं रिक्वेस्ट की, तो मैं धन्यवाद करदा गवर्नर साहब ने सानू सारे मुद्दों से बड़ा पेशेंसली सुनिया, और उन्होंने सानू यकीन भी दवाया कि थोड़ी रिप्रजेंटेशन एज इट इज आई वो भेज दी जाऊगी। हुण बहुत सारे ये उत्ते क्योंकि कौमी मुद्दा तो कौमी दर्द आ, कई ये उत्ते फिर सियासी रोटियां भी, असी कोई सियासी रोटियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं सेकती, असी तो सुहिरदता दे नाल कौमी दर्द समझ के कौम के हितों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जदों भी किसी कार्ज नूं शुरू किया उन्हूं जतन किया कि उन्हूं सफल भी करिए। सो अज असी सारे उस तहत मिल के आए हाँ। असी हुण कल परसों एक चिट्ठी DGP जेल उन्हां नूं भी लिखी आ कि भाई राजोवाना साहब नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का वापस मिलना चाहुंदा, क्योंकि राजोवाना साहब ने 2 चिट्ठियां श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार नूं लिखियां। आ जिहड़ी लेटेस्ट चिट्ठी आ उहदे विच उन्हें जिक्र किया कि मैं भुख हड़ताल अपनी 20 दिन अगे पाउणा, पर जिहड़ी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों अपील की आ रहमदी सेंटर सरकार को, नहीं प्रैजीडेंट ऑफ इंडिया को, वापस लवे।